अपना हक लेना सीखो, ये तुम्हारा बेडरूम है क्या? अगर इसके को रेप भी लग गया तुम दोनों अरेस्ट हो जाओगे। ऑलरेडी तुम्हारा देखो कैमरा में सब नोट हो रहा है। अब देखिए कैसे भैंसुर ससुर धांधली से बोला नहीं रहे, यानी इसका ससुर भैंसुर क्रिमिनल है और ये दोनों क्रिमिनल का सबक सिखाना है। अगर आप यहाँ पे रहे, मेरी बात सुनिए, कोर्ट का आदेश होगा, अगर आप यहाँ पे रहेंगी तो आपका पूरा सामान मिलेगा, कोर्ट का आदेश होगा, मेरी बात सुनिए, और अगर नहीं होगा तो आपको जितना मिला था वो सब आपको मिलेगा, वो चाहे बेच जाए, चाहे जो भी कर जाए, चाहे जहाँ से ला के देंगे आपको देंगे, कहाँ तो उसके लिए भी हो जाएगा। खोलिए ना सर, खुलवाइए, हम देखे काहे में बेचारा दिल कुछ हेलो ए बकवास मत करना, इसका बेडरूम है, चाबी नहीं ना दिया है, देखिए इसका कैमरा में ये करिए, यही भैंसुर और यही ससुर इसके जिंदगी बर्बाद करने का कारण है। रुको ना, अभी देखो आज से ये यहीं पर रहेगी, हिम्मत है, अगर अगर इसके को रेप भी लग गया तुम दोनों अरेस्ट हो जाओगे। ऑलरेडी तुम्हारा देखो कैमरा में सब नोट हो रहा है। अब देखिए कैसे भैंसुर ससुर धांधली से बोला नहीं रहे, आप लोग शांत, यानी इसका ससुर भैंसुर क्रिमिनल है और ये दोनों क्रिमिनल का सबक सिखाना है, दोनों क्रिमिनल को सबक सिखाना है। ये भैंसुर बहुत तेज है, अपनी बीवी को तो इज्जत से रखे है और दूसरे के बीवी को घर से निकाल दिया है, तमाशा बना के रख दिया है, घर के बहू बेटियों को रोड पर तमाशा करने के लिए छोड़ दिया है। कोर्ट भी कहता है कि जब तक तलाक नहीं होगा वो बहू अपने ससुराल में रहेगी, के लिए सरकार सिर्फ है। मुकदमा चला था, फैसला नहीं, शादी दूसरा कई लिहन जाए के भी दूसरा शादी देखिए, आप यहाँ के व्यक्ति हैं, सोचिए कि यहाँ कोर्ट कानून और सारी गरिमा को भंग करके मनमाना लाइफ जिया जा रहा है। तीन साल से यहाँ बबरी थाने से लेकर सत्तू से परेशान गाली बजाते है ना, आज से रखो दो बीवी को और इस घर में पहली बार यहाँ परेशान में छह साल घर बना रखो, लेकिन ये इसी घर में रहेगी और किसकी हिम्मत किस घर से इसको निकाल दे, देख लेंगे हम भी। है सुनो, तुम स्वतंत्र हो ना, तुम लोग कानून तोड़ सकते हैं, सरकार हो सकता है, तुम्हारा ये बेडरूम है, तुम तो इंदौर पर रहोगी क्या, कोई तुमको भोजन देगा क्या, तुम अपना कोई तुमको बंद कर देगा, तुमको फांसी दे देगा, तुम फांसी में चढ़ जाओगी क्या, अपना हक लेना सीखो, ये तुम्हारा बेडरूम है, यहाँ अरे तू क्या करे, कोची से करो, ये मजबूत तो नहीं वो इससे अच्छा वही है, ये तेरा बेडरूम है, तुम ही तोड़ सकती हो, हाथ अपना बचा लेना, ये अत्याचार, चाबी रखते हुए वो इसका बेडरूम में चाबी मार के आज ही महिला को मजबूर किया। मैडम आप साइड कर जाइए, रुकिए रुकिए रुकिए, लेने दीजिए, कोई भी कहता है इसका ये अधिकार है, रुकिए पहले अधिकार है, क्या बोली मना किया ना, कौन मना किए सर, मना किया थाने पे, अब फिर अभी कहाँ रहेगी सर, वहीं पे अभी कहाँ रहेगी ना, बबुरिया तो प्रशासन हम चला नहीं चला मैडम जी, ये गलत बबुरिया को प्रशासन नहीं रहने दिए, चार चार बजे को अपना तेल खाली कर दिए, ये दोनों भाई ये बात जब गए अभी, हाँ मैडम जी कुछ ना, मेरी बात कुछ नहीं होगा, जब मरना होता ना हम जब के मर गए ऐसे ही पाया से नहीं करो भाई, कोई सुनाई नहीं करो, चावल तला मैं तला क्या भी तला तला पूरी जिंदगी भी खोल देना चाहिए, तोड़ा तो फिर हम लोग चले जाते हैं।
रही हो? गलत चीज है ना जब बोला जा रहा है। भाई कोई नहीं चाहिए, बड़े साहब है ना, बड़े साहब है ना, रुक जाओ, बोल रहे हैं बात को समझो, कुछ समझ के बोल रहे हैं। लड़की चीज लिखी वहाँ पे हो गई थाने पर, आप दोनों पक्ष रहेंगे, आपका खुला दम देख लेंगे, खुला दस तो ठीक है। हाँ देख लो ना, आप खुलवा दीजिए सर जी, हम देख ले इसमें हमारा रहते हुए कैसे दूसरे शादी कर लेंगे। गंदा सब ऐसा पड़ा है, जैसा तो है पूरा सामान। आप यहाँ पे रहे, मेरी बात सुनिए, कोर्ट का आदेश होगा अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो आपका पूरा सामान मिलेगा, कोर्ट का आदेश होगा, बात सुनिए, और अगर नहीं होगा तो आपको जितना मिला वो सब आपको मिलेगा, वो चाहे बेच जाए, चाहे जो भी कहे, चाहे जहाँ से ला के देंगे आपको देंगे, कहाँ रहेगा तो उसके लिए भी हो जाएगा। आप क्यों कर रहे हैं अचानक? खोलिए ना सर, खुलवाइए, हम देखे कहे न्यायालय में तो क्या न्यायालय से मिल गया था क्या? खुद सुधार नहीं है भाई, बड़े लगा तो ये कैसा तरीका है बात करनी कोई सामान बाबा जी भी कर रहा है एक बहू के साथ, और ऊपर से बहू ही किशन उठा ना। हाँ हाँ ठीक है, मैडम जी की बुलावा, देखिए बोले क्या देख लीजिए मैम, हो गया क्यों होता है ना, बहू कहाँ जाएगी, होने वाली है, कोई भी ताला मार के अपने बहू बेटियों को निकाल दो रोड पर, अब तुम घर के चार दीवारी में रहोगे, घर में रह के लड़ो, जिसका विजय होना होगा वो होगा, चलो थोड़ा अपना रूम और जा घुसो। सर माने करो, नहीं साहब मना करेंगे, साहब हेलो तोड़ो जी, हेलो बात करनी है, चलिए कैसे ना तू कुछ ना लोहा आज जाजी है, आज तो मेरा है, दुनिया में हर बेटियां रोड पर रहे, थोड़ा जल्दी करो ना, बाहर निकला चलिए, थोड़ा हम लोग बाहर आइए आइए, आइए क्या बात हुआ था, मेरी बहू को हटाया गया इस घर से, बोलिए अगर हमको देखने के लिए आए हैं तो आप लोग यहाँ चले जाइए, अगर इस महिला को मदद करने के लिए आए हैं तो यहाँ पे रुक जाइए, क्या कोई है बता सकता है कि इस घर में क्या कहानी हुआ जो बहू घर से बाहर चली गई, कोई है नमूना देखने के लिए? मुझे आदमी नहीं चाहिए, अगर मदद करना है तो एक महिला का मदद, सब तमाशा देखने के लिए आए, क्यों इसका तमाशा नहीं देखना है, मैं कोई तमाशेदार नहीं, ठीक है ना, बोलना है क्या, जो यहाँ के समाज है, आप यहाँ के समाज है, ऐसा क्या हुआ था जो बहुत क्या नौटंकी था, आपकी बेटी नौटंकी करेगी तो उसको घर से निकाल दीजिएगा, हमारे हम तो तीन बहू ले आए हैं, नहीं तो बेटी अगर आपकी बदमाश रहेगी तो बेटी को घर से निकाल दीजिएगा, उसको समझा बुझा के घर के अंदर रखिएगा, बेटी के समझा के घर में रखेंगे, बहू को रोड पे रख देंगे, बहू को रोड पे नहीं रखेंगे, अगर हमार कहना ही मन लो बहू, आप अगर कहिएगा की तीन
तो मतलब दिन वही जाइएगा कि रात तो बन जाएगी रात, मतलब आपके कंट्रोल में अगर बहू है तो बसेगी, और अगर वो अपना लाइफ जीने लायक बहू है तो वो निकल जाएगी, यही ना आपकी सोच है? नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है, बहू ऐसी है कि नहीं? बिना बहू है सर, सुनिए आपको, ऐसा है कि ये बहू जब चल गई तो बहू आई अपने भाई को लेकर, तो ये सब काम काम किए लगे हमारे भतीजा लोग। आप कौन कौन नहीं किए? नहीं, आप बहू से पूछिए। भाई वाला कौन कौन करने लगा? बहू से पूछिए आप। तो उसकी बहन का जिंदगी बर्बाद होगा। एक सेकंड सुनिए। हाँ। उसकी बहन का जिंदगी बर्बाद होगा तो कौन कौन सब करेगा? पड़ोसी जिसकी बहन के पीड़ा है उसी का ना आवाज उठाएगा, उठाएगा कौन? उठाएगा या अपन उठाएगा? सबको दर्द होगा, ये उंगली काटेगा तो भी पांचों उंगली बरोबर नहीं है सर। तो आप चाहिए अभी बताइए, आपकी बहुलिया का हाथ देखिए पूरा छाला पड़ जाएगा, आपकी बेटी भी तोड़ दी तो तुरंत चाबी दिलाते, क्या उसका हाल होगा? घायल हो सकती है। उसकी छोटी छोटी बहन सिलाई पर गई है चाबी लेकर। हाँ ठीक है, सही कर रहा है। ठीक वो तोड़ रही है, तुम्हारा हिम्मत है? नहीं, इसको हाथ लगाने दीजिए, एक मिनट। हेलो, आप लोग बाहर निकालिए, आप लोग बाहर निकालिए, आप लोग बाहर निकालिए, तो आप लोग बाहर निकलिए, भैया बच्चे यहाँ निकल, चलिए आप लोग बाहर निकलिए, तो आप बाहर निकलिए, बाहर चलिए, बहन बहन हेलो ब्रो, एक मिनट, आप पड़ोसी है ना? आप पड़ोसी है ना? उनको फोन कीजिए ना, आप अंदर कहे गए, वो उनका घर है, वो तोड़ेगी, हम अंदर नहीं जाएंगे। महिला का घर है, ठीक ना? दिलवा रहे ना? हाँ दिलवाइए, वही बात बोल रहे हैं कि 5 मिनट रुक जाइए, आप अंदर कहे गए, इस तरह से मत कीजिए, आप फोन कीजिए चाबी के लिए। तो ये सब गांव के लोग हैं, यहाँ के आसपास के पड़ोस। आइए आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना, इधर आइए ना। बहू के सामने उसका सिर्फ पति जाता है, ससुर नहीं जाते हैं। भैंसुर को अपने बब्बू से 100 गुना दूर रहना चाहिए। क्या भारतीय संस्कृति में नहीं जी रहे क्या आप? क्या इस भारत के संविधान को नहीं मानते हैं क्या? बब्बू के साथ कैसे पेश आना चाहिए? चाहिए जाइए, वो अपना अधिकार मांग रही है, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, वो उसका बेडरूम है, चाबी ला के दीजिए। नहीं चाबी, आप बहुत शांति से बताते हैं कि चाबी हम बोल रहे हैं ना, अभी चाबी नहीं है, चाबी भुला दिया ना, तो अपना ताला खोल के जाएगा, तो कौन सा नया ताला लग जाएगा? अरे घर फूका का सर, मेरी बात हाँ कहिए, चाबी भुला जाता है ना, ताला टूटता है तो अपने हाथ से खोलिए, ऑरेंट लेकर आई हो, ऑरेंट लेकर आई हो, क्या बोरे उसका बोरे उसी दिन मांग में सिंदूर भरी थी ना, उसी दिन ऑरेंट लेके आ गई है इस घर में रहने की,
संस्कृति है ना, तो संस्कृति का मतलब क्या जा सकती है? हाँ तो तू जा रही है, बहु अपना घर में बेडरूम में जा रही है। चलो थाने क्या थाने में हम चल रहे हैं, वो थाने वो हाथ के मरीज है, हाथ के मरीज चलता हूँ। बहुत ही लोग का अत्याचार है। बोला बोला आप लोग चलो, चलिए आप लोग। हाँ उनको सुनो, तुम नहीं, तुम मत जाओ, तुम अपने इसी रूम में यही पैर हो जाओगे। हम अभी तला टूटा देखिए, ये बहू इधर आके बयान दीजिए। बयान इसका पूरा लीजिए।